भगतपुर सुल्तानगंज के प्रखंड सभागार में प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने पदभार ग्रहण करने पर डीलर एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डीलर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी नोमान अंसारी ने किया। कार्यक्रम के दौरान जिला संगठन मंत्री शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी, संगठन अध्यक्ष अधर हुसैन, सचिव संजीव कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष अनिल प्रसाद रजक, उपाध्यक्ष विजय कुमार के द्वारा बूके एवं अंग वस्त्र देकर खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार को सम्मानित करते हुए डीलर एसोसिएशन एवं लाभुकों की समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया। इस दौरान खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने मीडिया को बताया कि हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा कि जो लाभुकों को राशन कार्ड नहीं बना है उन सभी लाभुकों को राशन कार्ड बन सके, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब परिवार को मिल सके। साथ ही डीलर की समस्याओं को देखते हुए उनकी समस्या का भी निदान करने की बात कही गई। इस दौरान डीलर एसोसिएशन के सदस्य बंटी कुमार, विक्की कुमार, उत्तम कुमार, गिरीश गुप्ता व अखिल प्रसाद यादव, शिवनंदन साहब, मिट्टू कुमार, शशि रंजन सहित इत्यादि सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। वितरण की रहेगी, थोड़ा सा वर्तमान में जो है ना वितरण में जिले में जो है सुल्तानगंज प्रखंड जो है पिछड़ रहा है, उसको रहेगा कि मेरा प्राथमिकता में रहेगा कि वितरण जो है उसको सुल्तानगंज को हम ऊपर लाए। जो सर लोगों का अब तक में नहीं बना है राशन कार्ड, उसके लिए उसके बारे में हमें भी जानकारी मिली है कि यहाँ कुछ आदमी का जो है राशन कार्ड अभी भी उसको राशन कार्ड से वंचित है, तो वैसे पात्र परिवार को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड बनाने का प्रयास किया।